हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डॉल की शॉर्ट स्कर्ट। और फ्रेंड्स, ऐसी देख सकते हैं आप, ये कितनी घेरेदार है। आज मैं आपको इसी तरीके की घेरेदार शॉर्ट स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका लहंगा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़ा छोटा रखा था, बस आप इसकी जगह कपड़ा बड़ा रखेंगे तो आपके बड़ा सा लहंगा बन जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अब वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 10 इंच के दो स्क्वायर पीसेस ले रखे हैं कपड़ों के, और मैंने इसको ऐसे कट किया है जैसे कि ये कपड़ा है। तो मैंने इसका ये जो किनारे का है इसको मैंने ऐसे पकड़ा और उसके बाद ऐसे दूसरे किनारे से ऐसे कर दिया और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये देखिए ट्रायंगल बन गया है ये हमारा। और फिर मैंने इसको ऐसे कट कर लिया और ये हमारा स्क्वायर पीस निकल आया है। मैंने ऐसे दो कट कर रखे हैं। अब मैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक टुकड़े को ऐसे ले लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको, हम हाफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे बराबर से। उसके बाद हम इसको एक बार ऐसे और फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मार्क करना है। इसको हमें ऐसे थोड़ा सा गोल में मार्क कर लेना है। ये देखिए ऐसे कुछ। हम अगर सीधा ऐसे मार्क करते तो जब हम इसे काटते तो यहाँ दोनों में कोना निकल आता। हमें इसको थोड़ा सा ऐसे गोल में मार्क करके। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया। अब हम इन दोनों को ऐसे बराबर रख लेंगे और इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। एक और आसान सा तरीका है ताकि हमारा इसके बराबर ही कटे, ज़्यादा बड़ा ना कटे। ऐसे ही हम इसको दोनों को ऐसे रख के इसको कट कर लेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे इसे ऐसे कट कर लिया है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सर्कल में आ गए। ये देखिए, मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ। हाँ, हमारे दोनों निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये कपड़ा एक नीचे रख दिया है और इसके ऊपर दूसरे पीस को मैंने ऐसे उल्टा करके रख लिया है। ये देखिए बराबर से। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे बराबर से। अब उसके बाद हम इस कपड़े को हम इसको ऐसे काट लेंगे। ये देखिए ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया है, एक सीधा और एक उल्टा है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम ऐसे स्टिच कर लेंगे एक यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसे खोल लेंगे। ये खुल गया है हमारा। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ये कपड़ा ले रखा है, ये देखिए इसी के जैसा। और आप इसे मेजर कर लीजिएगा कि कितना चाहिए अपने, जितनी इसकी बेल्ट होगी उसी हिसाब से हमें कपड़ा लेना है। और अब हम सबसे पहले इस कपड़े को हम यहाँ दोनों किनारों से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट को यहाँ से दोनों तरफ से सिल लिया है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इस बेल्ट स्कर्ट के किनारे को लेंगे, जैसे कि ये देखिए ये रहा पॉइंट, इसका किनारा पॉइंट। इसको हम ऐसे रख लेंगे। हम इसको क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और इस बेल्ट को उल्टा, और यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के, देखिए इतना सा थोड़ा सा छोड़ देंगे। और उसके बाद इसको हम ऐसे रख के, फिर उसके बाद हम इस पे ऐसे 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 पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि जब हम ये सिले तो ये हमारा यहाँ पे दोनों बराबर आए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे ऐसे सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसकी बेल्ट। आप चाहे तो, अगर आपको बहुत ज़्यादा चौड़ी बेल्ट चाहिए तो आप इसको सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये आपकी इतनी चौड़ी बेल्ट आएगी, ये देखिए। मैं तो यहाँ पे थोड़ा कम चौड़ी रखूँगी, तो इसको मैं एक बार ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक ऐसे एक बार इतना लंबा फोल्ड कर लेंगे, और ये देखिए फिर मेरी बेल्ट ऐसे आएगी। तो ऐसे ही करके मैं पूरी एक ये पूरी बेल्ट ऐसे बना लूँगी, ये देखिए, स्टिच कर लूँगी इसे। यहाँ पे हम पूरे में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये बेल्ट लगा ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका ये जो ओपन पार्ट है, अब हम इस पे इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे, ये देखिए। इसको ऐसे हम यहाँ पे पूरे स्टिच कर लेंगे, और फिर ये हमारा स्कर्ट बनके रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इसका और बड़ा, मतलब बड़ा सा लहंगा बनाना चाहते हैं, तो आप, मैंने यहाँ पे छोटा कपड़ा रखा है, आप उसकी जगह बड़ा कपड़ा रख सकते हैं। इसमें बस करना ही सब कुछ ऐसा ही है, बस इसमें अगर आपको लहंगा बनाना है तो बड़ा कपड़ा रखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, और ये देखिए हमारा बनके रेडी हो चुकी है स्कर्ट, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए मैंने ये बालों में लगाने वाली रबड़ ली है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम कहीं से भी ऐसे कट कर लेंगे, और उसके बाद हम पिन को ले लेंगे, और इसके ऐसे हम इसके अंदर डाल लेंगे इस पिन को, आराम से सेफली डालने के बाद हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको हम इसमें से डाल लेंगे, एक इसमें से ऐसे होल में से, और फिर उसके बाद हम इसमें इलास्टिक ऐसे डाल लेंगे। ऐसे हम डालते जाएंगे इसको, हम ऐसे ऐसे अंदर की साइड करते जाएंगे, इसको ऐसे निकालते जाएंगे, इसको हम ऐसे। फ्रेंड्स, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें इलास्टिक डाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐसे बराबर रख लेंगे, और उसके बाद हम इसमें नॉट बांध देंगे, ये सिक्योर हो जाएगा। ऐसे करके हम इसमें नॉट बांध लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारी नॉट बन गई है, इसको ऐसे टाइट कर लेंगे, और इसको अब हम इसको ये जो है इसको हम अंदर डाल देंगे इसमें, ऐसे अंदर डाल देंगे तो ये दिखेगा नहीं। अब हम इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए। अब इसमें मैं आपको अब ये डॉल को पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डॉल को पहना दिया, और ये देखिए कितने घेरेदार लग रहा है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसका लहंगा बनाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं जो आ रही है। जैसे कि आप, अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपनी डॉल की ड्रेस कलेक्शन दिखाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय 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 बाय।